माँ है वो, बेटी भी है वो, कभी बहन भी है वो तो कभी पत्नी भी है। जीवन के हर सुख दुख में शामिल है वो, शक्ति है वो, प्रेरणा है वो। जीवन के हर मोड़ में शक्ति स्वरूप ताकत देती है वो। उन सभी महिलाओं को दिल से नमन है जो हमेशा सदैव हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमारे साथ रहती हैं। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू एवरीवन आउट देयर जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज हमारे साथ में एक ऐसे ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, आशा कन्फेक्शनरी से आशा दरियानी जी, जो जानी मानी उद्योगपति तो हैं ही लेकिन एक समाज सेविका भी हैं और अनेकों औरतों के लिए प्रेरणा स्वरूप भी है। आज उनकी इंस्पायरिंग जर्नी हम आप तक पहुँचा रहे हैं, कैसे उन्होंने ये उद्योग खड़ा करा, पूरी तरीके से बिजनेस चलाया और कितने संघर्षों के साथ उन्होंने ये बिजनेस को आगे लेके गए और आज अनेकों औरतों को वो यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए प्रयास करती रहती है। आशा मैम, स्वागत है आपका हमारे एमपी न्यूज में जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जब जर्नी कौन से ईयर में शुरू हुई और कितने साल हो गए आज आपको? 94 से मैंने काम चालू किया था जी। अब आप हिसाब लगा ली, 94 से 22 तक करीब 36 साल हो गए जी मेरे को काम करते हुए। ऐसा कहा जाता है मैम कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारियाँ रहती है, घर चलाने की, बच्चे पालने की। आजकल की महिला पहले जैसी नहीं है जी। वो अपने आप को सहनशीलता समझती है, खुद अपना परिवार चलाती है, अपना कमा करके, और किसी की मोहताज नहीं है। वो जिनकी हस्बैंड काम नहीं करते उनकी महिलाएं, उनके घर से महिलाएं काम करके अपना घर चलाती हैं। इसी तरह मेरी फैक्ट्री में करीब 250 महिलाएं हैं, वो सब आत्मनिर्भर है, खुद कमाती है, खुद का अपना घर चलाती है, अपने बच्चे पालती है जी। यहाँ पर हमें भी ये पता चला था कि आशा कन्फेक्शनरी में सबसे ज़्यादा महिला कर्मचारी हैं, इन्हें मशीन चलाना भी आता है, सारी यहाँ पर उन्हें चीज़ें सिखाई जाती हैं, कैसे एक मशीन वर्क करती है, कैसे पूरी फैक्ट्री में काम होता है, ये सब पूरी तरीके से सारी टेक्निक यहाँ पर सिखाई जाती है। यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहती हूँ कि जब आप ट्रेनिंग देते हैं उन्हें तो उन्हें कैसा महसूस होता है, क्योंकि उनके लिए तो आप प्रेरणा हैं। हाँ, हम अपनी भाइयों को अपना समझ कर उनको सब काम सिखाते हैं। मेरी यहाँ की भाइयों को स्टी की मशीन चलाती है, नारियल कैंडी की मशीन चलाती है, बटर की मशीन चलाती है, बिस्कुट की भी मशीन चलाती है, केक की मशीन चलाती है, सभी भाइयाँ मेरे यहाँ काम करती है और हम उनको अपना समझ के काम सिखाते हैं। मेरी भाइयाँ काम सीख भी जाती है, वो डरती नहीं है, और मैं उनको प्यार से बोलती हूँ कि काम सीखो, तुम्हारे ही आगे काम आएगा। बिल्कुल, काम सीखो, आपके ही आगे काम आएगा, क्योंकि आज आत्मनिर्भर बनना बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं आप दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री में आते हैं, सुबह से ही लगे रहते हैं सारी मॉनिटरिंग करने में, आप फैमिली को कब टाइम देते हैं? फैमिली को मैं सिर्फ संडे के दिन टाइम देती हूँ जी। संडे के दिन मैं अपना घर देखती हूँ और अपने घर ही रहती हूँ संडे के दिन जी। यहाँ पर एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपका इतना बिजी स्केड्यूल भी रहता है, दिन भर आप काम करते हैं फैक्ट्री में, इतने सारे लोगों को आप मॉनिटर करते हैं, यहाँ पर आपकी एक पर्सनल व्यक्तिगत हम आपको यहाँ से जानना चाहेंगे एक बात आपसे, कि घर पर अगर आपके पोते ने अगर आपसे कुछ डिश मांगी, या एक साइड आपका पर्सनल हॉबी क्या रहती है? हाँ, मेरा पोता कभी कभी मुझसे बोलता है, बड़ी मामा आज तो मेरे को चूरमा बना के दो, मैं खाऊंगा, तो मैं उसको प्यार से बना के देती हूँ, वो पूरा खाता भी है, फिनिश भी करता है। तो साइड बाय साइड मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चीज़ें अच्छे से बैलेंस कर हो सकती है, आपके जीवन को पूरा बैलेंस कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो पर्सनल मैनेजमेंट लाइफ नहीं हो पाएगा, अगर दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मैनेज करें तो सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो सकती है कहीं ना कहीं। मैं आप एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, जब एक महिला आपके पास में आती है, आज वुमेंस डे की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उन्हें मदद पहुँचाने के लिए आप क्या कुछ प्रयास करते हैं? हाँ, मेरे से जो बन पड़ता है मैं उसकी बरोबर हेल्प करती हूँ। जैसे कभी किसी का बच्चा बीमार हो जाता, किसी के पास पैसे नहीं रहते, मैं गुप्तदान भी करती हूँ, किसी को शो नहीं करने देती कि मैंने इसकी मदद करी है, मैं बहुत कुछ करती हूँ जी। आपके अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो 2016-17 में भी आपको अवार्ड्स मिले हैं, क्या कुछ ये अवार्ड्स हैं मैम, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ? हाँ, राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं मुझे 2016 में, 2017 में मुझे गडकरी ने अवार्ड दिया है, और वैसे तो मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, मेरे सामने पूरा शो भरा हुआ है, शोकेस भरा हुआ है
जी मैम, महिला दिवस पर क्या कुछ संदेश रहेगा आपका सभी महिलाओं को जो इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि आप एक रोल मॉडल की तरह उनके लिए हैं, जिस तरीके से आपने पूरी फैक्ट्री को आप अभी तक संभाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। मैं तो चाहती हूँ कि हर महिलाओं को काम करना चाहिए अपने ज़िंदगी का, क्योंकि उनको घर भी देखना है, परिवार भी देखना है और आर्थिक स्थिति को भी देखना है। इसलिए हर लेडीज़ को काम करना चाहिए। हर लेडीज़ को काम करना चाहिए। महिला अपने आप में ही शक्ति का स्वरूप है। अपने आप को किसी से भी कम ना समझें, अपने शक्तियों का आप जानें। और आज की तारीख में सबसे इम्पॉर्टेंट एक महिला के लिए यही है कि वे आत्मनिर्भर पड़े बने। जब पढ़ाई का टाइम आए तो पढ़ाई में भी वो आगे रहें, और जब आगे काम की बात है तो काम में भी वो आगे रहें। क्योंकि अगर एक सच्चे समाज का, एक अच्छे समाज की पहचान ही उनकी महिलाओं से होती है, कि जब उनकी महिलाएँ बाहर काम करती हैं तो उस समाज का कल्याण निश्चित है। आज हमने एक खास स्टोरी आपके साथ साझा करी, किस तरीके से आशा कन्फेक्शनरी का निर्माण हुआ, किस संघर्षों के साथ हुआ, और यहाँ पर कितनी महिलाओं को प्रेरणा मिलती है, किस तरीके से वो यहाँ पर काम करती हैं, वो सारी कहानी आज हमने आप तक पहुँचाई। ऐसी और कहानी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप सभी विमेंस को हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे पूरे एमपी न्यूज़ के परिवार की तरफ से नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।